लोमड़ी की चालाकी बनी मुसीबत। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह जब भी शिकार पर जाती थी, उसके पीछे चीते पड़ जाते थे और उसे शिकार छोड़कर भागना पड़ता था। कई बार तो उसे अपनी जान बचानी भी मुश्किल हो जाती थी। इसी सब से परेशान होकर उसने एक तरकीब सोची। उसने अपने आप को चीता बनाने की सोची, लेकिन ये हो कैसे? इसी सोच विचार करते करते उसे एक उपाय सूझा। वह बड़ाई के पास जाती है। लोमड़ी ने कहा, बड़ाई, मेरी पूंछ को काट कर लकड़ी की चीते जैसी पूंछ लगा दो, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को उठा ले जाऊंगी। बड़ाई डर के मारे लोमड़ी की पूंछ काट कर लकड़ी की पूंछ लगा देता है। फिर वह एक डॉक्टर के पास जाती है। लोमड़ी कहती है, मेरा मुंह चीते जैसा पिचका दे, नहीं तो तेरे बच्चे को उठा ले जाऊंगी। डॉक्टर उसका मुंह चीते जैसा कर देता है। उसके बाद लोमड़ी एक पेंटर के पास जाती है। लोमड़ी बोलती है, मेरे शरीर पर चीते जैसा रंग कर दे, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को उठा ले जाऊंगी। पेंटर उसके शरीर पर चीते जैसे रंगीन चित्रकारी बना देता है। अगले दिन वह चीतों के बीच में पहुंच जाती है। सभी चीते हैरान रह जाते हैं कि ये नया चीता तो बहुत ताकतवर है। अब वह चीतों के संग शिकार करती और मजे से चीतों के साथ बैठकर खाती थी। कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन लोमड़ी चीतों के साथ शिकार पर जाती है तो चीते एक हिरन के पीछे भागते हैं। लोमड़ी भी उनकी नकल करके भागने लगती है, लेकिन वे चीतों जितनी नहीं भाग पाती। इससे चीतों को कुछ शक हो जाता है। वे शाम को उससे पूछते हैं। चीता ने कहा, अरे तू आज भागा क्यों नहीं? तेरे कारण शिकार हाथ से निकल गया। लोमड़ी ने कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कल देखना, मैं अकेले ही शिकार कर लाऊंगा। अगले दिन जब सब शिकार पर जाते हैं, तभी बारिश हो जाती है। लोमड़ी का सारा रंग बह जाता है। यह देखकर चीते समझ जाते हैं वे उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसी भाग दौड़ में उसकी लकड़ी की पूंछ भी गिर जाती है। लोमड़ी किसी तरह जान बचा कर लोमड़ियों के झुंड में पहुंच जाती है। वहां जाकर कोई भी उसे नहीं पहचानता। लोमड़ी कहती है, मैं लोमड़ी हूँ, मैं तो बचपन से तुम्हारे साथ रहती थी। अरे ये पता नहीं कौन है, ना तो इसके हमारे जैसे पूंछ है, ना इसका मुंह लोमड़ी जैसा है। इसे मार मार कर भगा दो, नहीं तो ये हमारे बच्चों को खा जाएगी। इसका मुंह चीते जैसा है। ये सुनकर सारी लोमड़ी उसे मारने दौड़ पड़ती है। लोमड़ी किसी तरह जान बचाकर दूर जंगल में पहुंच जाती है। अब वह ना तो अपने झुंड की रही और ना चीतों के झुंड की। शिक्षा, अपनों के साथ रहने में ही भलाई है। दूसरों की नकल करने से अपने भी साथ छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।